चापर निवासी बिट्टन यादव हत्याकांड के फरारियों के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के चापर गांव में वर्ष 2019 में हुए बिट्टन यादव हत्याकांड में फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों के घर पर रंगरा पुलिस ने ढोल बजाकर सोमवार को इश्तेहार चिपका दिया है। मालूम हो कि वर्ष 2019 में मवेशी चरा रहे बिट्टन यादव को अपराधियों ने कटरिया ओवर ब्रिज के समीप घेर कर मार डाला था। रंगरा पुलिस ने हत्याकांड के नामजद आरोपी सधवा निवासी भक्ता मंडल एवं चापर दियारा निवासी तुफना यादव और छपड़ा यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। इस बाबत थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि अगर तीनों अभियुक्तों द्वारा 15 दिनों के अंदर समर्पण नहीं किया जाता है तो सबों के घरों की कुर्की जब्ती की जाएगी। रंगरा के अर्जुन कॉलेज में मनाया जाएगा कर्पूरी जयंती। नवगछिया जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार कर्पूरी जयंती रंगरा प्रखंड के मंदरौनी गांव स्थित अर्जुन कॉलेज में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष वे लोग कर्पूरी जयंती समारोह मनाने के लिए कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना जाते थे, लेकिन इस बार संगठन का निर्देश आया है कि जिला स्तर पर ही भव्यता पूर्वक कर्पूरी जी की जयंती को मनाया जाए। जिलाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि जयंती समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में महिला घायल। रंगरा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भवानीपुर गांव के पास हुए सड़क हादसे में पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना अंतर्गत श्रीपुर निवासी रुपेश चौधरी की पत्नी पूनम देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि रुपेश आंशिक रूप से चोटिल हो गए हैं। दोनों का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। रुपेश ने बताया कि मायागंज से घर जाने के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वे दुर्घटना का शिकार हो गए। चिकित्सकों ने बताया कि घायल पूनम की स्थिति खतरे से बाहर है। सिमरिया गांव में 5 लीटर देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 5 लीटर देशी शराब के साथ गांव के ही 36 मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया गांव में छापेमारी की गई थी, जिसमें 36 मंडल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वाहन चेकिंग अभियान में रंगरा पुलिस ने वसूल किया 500 रुपये जुर्माना। रंगरा थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर थानाध्यक्ष महताब खां के नेतृत्व में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस ने ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले एक वाहन चालक से 500 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की है। थानाध्यक्ष महताब खां ने जानकारी देते हुए कहा कि वाहन चालक ट्रैफिक कानून का 100% पालन करें, यह उनको सुरक्षित यात्रा प्रदान करता है तो दूसरी तरफ एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है।